नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे ग्रुप। दबाएं ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए अपने मोबाइल पर देश प्रदेश की खबर। घंटी के बटन को जरूर दबाएं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस और भाजपा कितनी सजग है, इसकी हकीकत नारनौल के नांगल चौधरी में सामने आई है। एक महिला अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ घर में अकेली रहती है। उसका पति BSF में हवलदार है और वो जम्मू कश्मीर में तैनात है। पिछले काफी समय से भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रमेश तंवर उसे डरा धमका रहे हैं और हमारी स्मार्ट पुलिस भी भाजपा नेता के दबाव में काम कर रही है। नेताओं की चापलूसी कर नेताओं के सामने बेबस नजर आ रही है। भाजपा नेता जवान की पत्नी विनोद कुमारी को कई बार प्रताड़ित कर उससे मारपीट कर चुका है, लेकिन महिला को अकेला देख पुलिस भी भाजपा नेता के दबाव के चलते जबरदस्ती फैसला करवा चुकी है। बार बार मारपीट होने और बिना सबूत रसूख के बल पर भाजपा नेता पर कार्यवाही ना होने से परेशान महिला ने अपने घर के बाहर CCTV कैमरे लगवा लिए ताकि हकीकत पुलिस के सामने आ सके। और फिर जो हुआ आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने गले में रंगीन मफलर डाले यह जो शख्स दिखाई दे रहा है यह कोई और नहीं भाजपा का जिला महामंत्री रमेश तंवर है। यह शख्स और इसकी पत्नी दोनों मिलकर जवान की पत्नी जिसने काले रंग का सूट पहने हुए है को किसी कद्र लात घूंसों से मार रहे हैं। यह सारी वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई और भाजपा नेता की हकीकत सबके सामने आई। जब यह मीडिया तक बात पहुंची तो पुलिस ने आनन फानन में मामला दर्ज कर महिला को उचित न्याय दिलाने की बात करने लगी। पुलिस ने इस संदर्भ में मारपीट, छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी जैसे अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है। मैं नांगल चौधरी की रहने वाली हूँ। बता रहे थे जैसे वीडियो आया है। हाँ, तो कैसे क्या कुछ हुआ था ये सारा? सर ये ऐसे हुआ था कि ये BJP का महामंत्री है एक मेरा पड़ोसी, वो मेरे को पिछले 4 साल से परेशान कर रहा है। कभी मेरी दीवार पे कब्जा करके, कभी मेरे बच्चों के साथ करवा रहा है, कभी मेरे घर में अंदर घुस के मेरे साथ मारपीट कर रहा है। वो पिछले 4 साल में उसने मेरा जीना आराम कर रखा। मैंने बहुत बार नांगल चौधरी थाने में कंप्लेंट भी की है इसकी, पर उन लोगों ने मेरी कोई सुनाई नहीं करी। मेरी जो मैंने कंप्लेंट की थी उसको बर्खास्त कर दिया या खारिज कर दिया। फिर मैंने परेशान होकर DC के यहाँ एप्लीकेशन लगाई, वहाँ उन लोगों ने मेरे को वन स्टॉप सेंटर भेजा। वन स्टॉप वालों ने मेरी एप्लीकेशन दर्ज करवाई है अभी जस्ट, और अब कार्रवाई शुरू कर रहे हैं वो लोग। तो जैसे आप बता रहे थे कि पिछले 10-17 से भाई अपने 2-4 दिन से आपके बच्चे भी स्कूल नहीं गए। हाँ जी, मेरे बच्चे डर डर के रह रहे हैं क्योंकि मैं कार्रवाई करूं या फिर घर पे रहूं। आप बताओ, मेरे हस्बैंड फौज में हैं, वो यहाँ है नहीं, अभी गए हैं, उनको छुट्टी नहीं मिली और मेरे बच्चे अकेले हैं। तो पीछे से ये लोग आते हैं और झूठ बोल के बच्चों से गेट खुलवा के अंदर घुस जाते हैं। उनको बुलाते हैं कि भाई अगर ऐसा किया तुम्हारी मम्मी ने तो उनको बोल देना कि भाई तुम्हारा अब अंत आ चुका, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है और अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। और वो मेरे को सरेआम धमकी दे रहे हैं। जैसे हम लोग अभी आए, जब भी कुछ BJP के लोग यहाँ पे बैठे हुए, बिल्कुल बैठे हुए थे सर, BJP के लोग बैठे हुए थे, मेरे को डरा रहे थे, धमका रहे थे और मेरे को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो अभी आप SP साहब से मिले थे तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? SP साहब ने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, हम इसकी तफ्तीश कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। अब एक महिला के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, छेड़छाड़ के संगीन आरोप हैं। ये मेरे पे नहीं है, बच्चों की लड़ाई थी। उनके बच्चे, मेरे रिश्तेदार के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, प्यांशु नामक बच्चा है, इन पे ये आरोप लगाए हैं। वो मेरे घर में रह रहा है, रिश्तेदारों का बच्चा है। तो इनका 8-10 दिन पहले की बात है, आपस में बीच बचाव भी हो गया था और जांच चल रही है, अगर दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। वीडियो फुटेज के अंदर आप महिला को मारते हुए नजर आ रहे हैं। मैं मार नहीं रहा, मैं उनको छुटाया जा रहा है, उन बच्चों को उधर लगा के छुटाया जा रहा है। अगर कोई ऐसी वीडियो हो तो उसकी भी
जांच की जाए, अगर हम दोषी हैं या बच्चा दोषी है उसको सजा मिलेगी। महिला ने ये भी आरोप लगाया कि पिछले 8 साल से आप उसे परेशान कर रहे हैं, बार बार राजीनामा करवा देते हैं। ये झूठ है, आगे पीछे का ना तो कोई राजीनामा है ना कोई ऐसी वारदात है। कोई राजीनामा लिखित में है तो वो पेश करे। 8 साल पहले आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले ना कि एक राजीनामा हुआ था अभी इसी मामले को लेकर, लेकिन ये दोबारा किसी पार्टी के बहकाव में आकर आरोप लगा रही है। हाँ, ये बात सच है, राजनीतिक विरोधियों के कारण ऐसा होता ही है। जब फेल पेड़ पे फल लग जाते हैं, फेल पक पेड़ पक फल पक जाते हैं तो उसमें पत्थर लगना चालू हो जाता है। तो राजीनामा हुआ था, राजीनामा आपस में हो गया था, उसके बाद की कोई कहानी नहीं। बच्चों को और गांव के इन्हीं के सरपंच अलीपुर ने बैठ के इनका फैसला करा दिया। हमारे पास शिकायत आई थी महिला की, और महिला की शिकायत पे हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है, और मुकदमा दर्ज करके उसकी निष्पक्षता से जांच की जा रही है। हाँ, उस महिला का ये आरोप था कि भाई मेरे से मार पिटाई की है और 3-4 साल से मैं परेशान हूँ, इस बारे में उनकी कंप्लेंट थी। हाँ, और भी कई एलिगेशन से, तो जो निष्पक्षता से जांच की जा रही है, जैसे कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी।